नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी नवरात्रि स्पेशल दूध का शरबत। एक बार इस तरीके से दूध का शरबत बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा पीने में और बहुत ही हेल्दी और एनर्जेटिक है। तो इस नवरात्रि में इसे आप व्रत में ज़रूर सेवन करिए। शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मैंने पतीला लिया है और एक बड़ा कप था जिसका दूध लिया है एक कप। अब इस पतीले में ट्रांसफर करेंगे दूध को। इसी कप का पानी लिया है एक तिहाई कप और पानी को भी ऐड करेंगे दूध के साथ। अब इस पतीलों को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। देखिए उबलना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट तक और इसे पकाएंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब गैस बंद करेंगे और दूध को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से और इसे ठंडा होने देंगे। इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भिगो कर रखा हुआ था जिसमें बादाम है, छुहारे, किशमिश, ये अच्छे से फूल गए हैं। बादाम का छिड़का हटा लेंगे और इसका एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे मिक्सर जार की सहायता से, इस तरह से। यदि यह दूध का रेसिपी आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर कुछ फ्रूट को भी मैंने काट कर रखा हुआ है जिसमें है अनार और बारीक कटा हुआ सेब। दूध में ऐड करेंगे शहद, 1 बड़ा चम्मच शहद लिया है चीनी के स्थान पर। शहद भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसलिए व्रत में आप चीनी की जगह पर शहद का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही है। वैसे शहद ना हो तो इसके स्थान पर चीनी भी ले सकते हैं। शहद अच्छे से मेल्ट हो चुका है दूध के अंदर, देखिए कलर भी दूध का चेंज हो गया है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे पिसा हुआ पेस्ट ड्राई फ्रूट का और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट का पेस्ट डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है शरबत में। और जो मैंने फ्रूट काट कर तैयार किया था इसको इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस शरबत को बड़े तो प्रेम से लेंगे ही लेंगे, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम से इसको पसंद करेंगे, पिएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही टेस्टी शरबत बनकर तैयार हुआ है, देखिए कितना कलरफुल, रंगीन और देखने में खूबसूरत दिख रहा है। तो एक बार आप इस हेल्दी शरबत को अवश्य ट्राई करिए।